तो हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी हमारे इलेक्ट्रीशियन में मोस्टली टूल्स यूज किए जाते हैं उसके बारे में। तो आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा बहुत सारे बेसिक टूल्स हैं हमारे इलेक्ट्रीशियन के, तो इन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि टूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन फ़िलहाल में हम उन टूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो मैक्सिमम वर्क के लिए यूज किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ड्रिल मशीन। ये जो हमारे पास सभी ड्रिल है, ये इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन है। बेसिक इसका यूज दीवारों में ड्रिल करने के लिए करते हैं, या किसी भी मेटल पार्ट्स को ड्रिल करना हो उसके हिसाब से हम अपना ड्रिल बिट भी बदलते हैं और ड्रिल करते हैं। सेकेंड नंबर में ये हमारा मल्टीमीटर है, जो डिजिटल टाइप का मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर यानी बहुत सारी चीज़ों को आप मेजर कर सकते हैं। इससे हम अपने घरों के बोर्डों में वोल्टेज भी नाप सकते हैं, कितना करंट दे रहा है कितना नहीं दे रहा है। ये हमारा वोल्टमीटर है। ये जो हमारा वोल्टमीटर है, ये डिजिटल टाइप का वोल्टमीटर है। इसके हम अपने घरों में भी लगाते हैं ताकि हमारा वोल्टेज पता चल सके कि कितना वोल्टेज आ रहा है और सही बता रहा है कि नहीं, ये भी पता कर सकते हैं हम लोग। मैक्सिमम इसका वोल्टेज कम से कम 240 तक रहना चाहिए। चौथा नंबर में आता है हमारा सोल्डरिंग आयरन। आपको तो पता होगा इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग किसी किट से छूटे हुए तार को सोल्डरिंग करने के लिए करते हैं ताकि वो दोबारा से जुड़ सके। इसके बाद हमारा फाइल है। इसका प्रयोग हम जब बोर्ड बनाते हैं तो सॉकेट लगाने के लिए हम काटते हैं बोर्ड को। उसके बाद काटने के बाद उसको बराबर करने में काम आता है। इसके बाद हमारा है जिमलेट। ये बेसिकली हमारा ड्रिलिंग टूल्स होता है। ये टूल हमारे छोटे छोटे होल करने में काम आता है। ये भी एक प्रकार का ड्रिल ही है। इससे लकड़ियों को आसानी से छोटा छोटा होल किया जा सकता है। इसके बाद आता है हमारा पोकर। पोकर का जो बेसिक यूज होता है इलेक्ट्रीशियन के अंदर, जब हम लोग इलेक्ट्रीशियन बोर्ड बनाते हैं उसमें हम पंचिंग रिक्वायरमेंट होती है, या ड्रिल करने से पहले हम पंचिंग करते हैं ताकि हमारा ड्रिल बिट है जो सही तरीक़ा से बैठ सके और वहाँ ड्रिल हो सके। इसके बाद हमारा नियॉन टेस्टर आता है, जो बहुत ज़्यादा यूज किए जाने वाला टूल्स है, जो इसे हम फेज टेस्टर के नाम से भी जानते हैं। हर एक इलेक्ट्रीशियन के पास होता है। इसकी सहायता से हम लोग किसी भी फेज के अंदर से सप्लाई आ रही है कि नहीं इसे चेक कर सकते हैं, और इससे स्क्रू ड्राइवर को टाइट भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर, जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला टूल्स है। ये हर इलेक्ट्रीशियन में इनके पास होता है। इसका यूज हम लोग तारों को काटने में, ट्विस्ट करने में, मोड़ने में और अदर कामों करने के लिए करते हैं। इससे नट भी खोला जा सकता है, छोटे छोटे नट भी खोला जा सकता है। कॉम्बिनेशन प्लायर इलेक्ट्रीशियन काम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है हमारा फ्लैट नोज प्लायर। इसका शेप नाक की तरह बना होता है। इसका यूज हम लोग छोटी छोटी जगह से तारों को खींचने के लिए यूज करते हैं। ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। इसके बाद आता है हमारा साइड कटिंग प्लायर। इस टूल्स को हम लोग वायर को काटने या छीलने में यूज करते हैं। ये भी ज़रूरी है हमारे लिए तार को छीलने या काटने में। ये हमारा स्क्रू ड्राइवर है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल्स है स्क्रू ड्राइवर। विदाउट स्क्रू ड्राइवर के बगैर आप किसी इलेक्ट्रीशियन के कोई काम भी नहीं कर सकते हैं। इससे आप कोई भी स्क्रू को खोलने या टाइट करने में यूज कर सकते हैं। इस टूल्स को हम लोग लकड़ी से कीले निकालने के लिए यूज करते हैं। ये टूल हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है।